बता देता हूँ और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। 12th अकाउंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें हमने पहले डिस्कस किया था सम नंबर 14, कौन सा, चिराग, जिगर और केशव वाला। इसके बाद 16 नंबर जो डिफरेंस हमने उसमें क्या करना है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। यह सम बुक में एक ही है तो प्लीज आप इस सम को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। क्या दिया सम के अंदर, कमल, विमल और विमल और विमल तीन पार्टनर है, 1, 2, 3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। 31/3/2016 के दिन पक्की तलपट की बाकियां नीचे अनुसार है। सिर्फ बैलेंस शीट नहीं दिया, सिर्फ हमको कुछ आइटम्स दे दिए। इसमें फर्स्ट कैपिटल कमल, विमल और विमल की, ठीक है, कितनी है, 30,000। मैंने यहाँ पर उसकी जो कैपिटल थी 30,000 यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल रिजर्व 24,000। 24,000 जो ओल्ड, ये क्या है, फर्म का ओल्ड प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है, 1:3। विमल का कितना आएगा, 3। 3 को बांटने के जनरल रिजर्व को वो कितना मिलेगा, विमल को 5,000, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद विमल की लोन ली है कितनी, 10,000, ठीक है। 10,000 उसने विमल ने लोन ली है तो उस पर इंटरेस्ट चुकाएगा कितने परसेंट से, 6% से। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, ठीक है ना। आपको सब में नीचे बोला है 31/5/2016 के दिन विमल की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा सिर्फ 2 महीने में। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2,000। कैसे, 10,000 6% गुणा 2/12, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कितने दिए हमको, गुडविल, गुडविल 12,000। तो क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। तो विमल का रेशो है कितना, 12,000 का गुडविल निकालेंगे, 12,000 में उसका शेयर आएगा कितना, 6,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है इसके अंदर एडजस्टमेंट दी। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 31/5/2016 यानी 2 महीने के अंदर विमल की मृत्यु हो जाती है। इससे क्या करना पड़ेगा, हमको सब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें बोला है 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर हमको गुडविल तय करनी है। अंतिम 3 वर्ष का लाभ नीचे अनुसार है कितना, 25,000, 40,000, 25,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या करते हैं, तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 3 से। और कितने वर्ष की कैलकुलेशन करनी है, अंतिम 3 वर्ष के लाभ के आधार पर और 2 वर्ष का लाभ हमको लेना है। कौन सा पार्टनर कौन से रेशो में लेके आएगा, तो हमको न्यू रेशो तो नहीं दिया है, ओल्ड है उसी को मानकर उनको उनमें विभाजित करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। विमल कितनी देगा, 20,000 और कमल देगा 10,000। नेक्स्ट पूंजी पर 12% ब्याज गिनना है, ठीक है। तो कैपिटल कितनी है, विमल की 30,000 इसी कैपिटल है कितना, 12% गुणा 2/12, 2 मंथ की कैलकुलेशन निकालेंगे। कैपिटल कितना आएगा, 600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ तक सब इंफॉर्मेशन हो गई, हम क्या करेंगे, अभी अकाउंट को क्लोज करेंगे। किस साइड टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का 85,200 और इसमें से लेस कर दीजिए 6,000, तो 79,200 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बस सम के अंदर क्या करना था, विमल कैपिटल अकाउंट बनाना था जो बन गया। तो यहाँ तक ये सब पूरा हुआ, आपको होम असाइनमेंट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इसके बाद वाला होम असाइनमेंट आपको करना है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अभी के लिए इतना ही, एक सम लास्ट है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, सम नंबर 19 AT और M वो कल हम डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर को यहीं तक पूरा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।